बात करेंगे दिल्ली की, जो लगातार कांप रही है और गिरते पारे के बीच ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। पहाड़ों से आफत अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी है, तो ठंड में बेहिसाब इजाफा हुआ है। उसी का नतीजा ये है कि आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। पारे का ये स्तर आज लोधी रोड और दिल्ली रिज इलाके में दर्ज किया गया। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। देश की राजधानी में येलो अलर्ट। दिन में खिली धूप नजरों का धोखा है। सर्द हवा ने दिल्ली को आ घेरा है। शाम से लेकर सुबह तक दिल्ली किस कदर ठंडी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली को इस वक्त पूरी तरह से ठंड ने चपेट में ले रखा है। शीत लहर की चादर ने समूची दिल्ली को बुरी तरह से लपेट रखा है। बेशक दिन में दिल्ली के आसमान पर चमकता सूरज नजर आ रहा है, लेकिन ये सुबह और रात के तेजी से गिरते तापमान को थपने की गारंटी नहीं दे रहा है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में अब जनवरी के दूसरे हाफ में ठंड का सितम बढ़ने वाला है। दिल्ली और राजस्थान इसी में कोल्ड वेव है। मेनली जो राजस्थान और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा जैसे नारनौल, हिसार और दिल्ली, इसी में कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव है। और ऑरेंज अलर्ट है ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली का तो येलो है, बट मेनली राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में है। दिल्ली और NCR में कल से ही 3 दिन के लिए सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक के लिए येलो अलर्ट है। कल रात वेस्टर्न से 2 लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके बाद मौसम खुलने का अनुमान है। 23rd, 22nd नाइट और मेनली 23rd से 24 इवन, तब तक जो है 22nd से 24 ये इफेक्ट करेगा, जो सेकेंड WD है। तो ये WD जो है ये सीजन का एक्टिव WD रहेगा। जो 22nd से 24 है उसमें रेन भी मिलेगा, ड्रिजल भी होगा प्लेन्स में। जब सर्दी प्रचंड हो तो उन लोगों को भारी मुश्किल हो जाती है जिनका अपना कोई आशियाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वरदान की तरह है ये शेल्टर होम, जहां रात में सोने की सुविधा तो है ही, नाश्ता और खाने का इंतजाम भी है। शेल्टर के अंदर सोने के लिए बिस्तर है, बेड है, गद्दे हैं, पिलो है और ब्लैंकेट्स हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में इन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है, टीरस, और लंच होता है और डिनर की सुविधा होती है। सर्दी से दिल्ली कांप रही है तो दिल्ली से सटे इलाके भी ठिठुर रहे हैं। नोएडा की तस्वीर देख लीजिए, इन लोगों के लिए अलाव लाइफ लाइन की तरह है। बहुत ज्यादा पड़ रही है, हम तो पूरी रात आग के सारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ गई भैया? बहुत ठंड पड़ गया है? बहुत ठंड पड़ गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही है उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। तो सर्दी से रहिए सावधान, बस कुछ दिन की बात है, लेकिन ये कुछ दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। मिलन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मिलन, आज क्या है सर्दी का हाल, क्योंकि पारा तो लगातार डिप हो रहा है, ऐसे में स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, सुबह उठकर घने कोहरे का सामना और भीषण ठंड। बिल्कुल नेहा, और सुबह उठते ही सबसे बड़ा जो काम होता है अभिभावकों का वो है बच्चों को स्कूल पहुंचाना, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है इस वक्त उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि स्कूल बंद किया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी हम किसी स्कूल के पास खड़े हैं यहाँ पर, और जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं फर्स्ट और सेकेंड क्लास के, उनका जो टाइमिंग है हालांकि वो बढ़ा दिया गया है स्कूल प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो हवाएं चलने की वजह से काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ठंड में जो बच्चे हैं गाड़ियों में, बसों में, साइकिल्स में, रिक्शा पर बैठकर उन्हें स्कूल आना पड़ रहा है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से, देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल ले जाने की जो प्रक्रिया है अभी भी शुरू है, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे स्कूल के टाइमिंग्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं
हैं, लेकिन लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगर आईएमडी के जो प्रिडिक्शंस बता रहे हैं अगले 3-4 दिनों में शीतलहर और बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है, 2 डिग्री से भी कम जा रहा है, आज का भी रिकॉर्डेड 2 डिग्री है, तो क्या स्कूलों को कुछ दिनों के लिए फिर से अपने आप को बंद रखना चाहिए, कम से कम छोटी क्लासों के लिए? ये निर्णय अभी ना ही दिल्ली एनसीआर में लिया गया है और ना ही नेहा नोएडा में लिया गया है, लेकिन स्कूल प्रशासन फिलहाल सक्रिय है इस बात को लेकर और आने वाले दिनों में तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।